सूरज जी ने अपना बहुत ही प्यारा सा अलग सा प्रेम की निशानी वाला जब तोहफा देने की बात हुई थी तब तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या होगा तोहफा, लेकिन वादा निभाना तो कोई सूरज जी से ही सीखे। अब मेरी बारी है। जी, आज आपके सरप्राइज ने तो मेरा दिल भी जीता और शर्त भी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हमारे प्यार के शब्द केक का आकार ले लेंगे। मीठा भी था और यादगार भी। अब मेरी बारी है, ये तोहफा आपके लिए संदेश जी। सूरज में सांझ पिया जी, मार सपनों की तू परवाज पिया जी, हारो मारो मिलने सो लागे रे साथ जैसो दिया, और बाती हो दिया और बाती। शादी की सालगिरह मुबारक हो सूरज भाई साहब, संध्या भाभी साहब। होम्स, सॉरी। सूरज जी, बहुत ही बढ़िया आइडिया था आपका। मुझे तो प्यारा लग रहा ही था, और मुझे ही क्या, घर में सबको कितना अच्छा लगा। सबको पसंद आया, पर सबने देखा कहाँ भी। क्या हुआ सूरज जी, आपने कुछ नहीं कहा? मैं क्या बोलूं, आपका तो संदेश जी प्यार से मिठास से भरपूर, जिसकी महक अभी भी मेरे मन में बसी हुई है। ऐसे अभी भी स्वाद गया नहीं आपके तोहफे का। स्वाद? किस स्वाद की बात कर रहे हो सूरज जी आप? भला पेन में कैसा स्वाद? पेन? भला ये कौन सा पेन? वही पेन जो मैंने आपको पैकेट में दिया है। पैकेट में दिया था? मैं भी ना सूरज जी, मैंने आपको पैकेट दिया ही नहीं और मैं इसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। ये देखिए सूरज जी, इस पैकेट में ना एक खास तरह का पेन है। ये मेरी तरफ से आपके लिए सालगिरह का तोहफा। आप मजाक कर रही है ना? अगर ये सालगिरह का तोहफा है तो फिर वो कौन लेके आया संदेश जी? वो क्या सूरज जी? अरे वो नीचे केक। आप इस तरह से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते सूरज जी। वो केक आपने मेरे लिए मंगवाया और अब अनजान बन रहे। चलिए तो फिर बताइए, हम दोनों की वो प्यार की बोली वो किसे पता? आए नहीं, जानती हूँ सूरज जी कि यह आपका सालगिरह का खास तोहफा था। मीठा, प्रेम भरा, बिल्कुल अलग। जो किसी को दिल से प्यार करता है ना, वही ऐसा तोहफा दे सकता है। एक बात तो माननी पड़ेगी सूरज जी, आपसे प्यार करने के तरीके में कोई नहीं जीत सकता। इस बार तो आप सालगिरह के तोहफे में मुझसे बाजी मार ले गए, लेकिन मैंने भी एक ईमानदार कोशिश की है। आप मेरा तोहफा खोल के तो देखिए। चलिए मैं ही आपको खोल के दिखाती हूँ अपना खास तरीके का पेन। इतने प्यार से लेकर आई हूँ आपके लिए।
देखी। सूरज जी, ये बड़ा ही खास पहन है, इससे आप फोटोग्राफ खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आप दुबई जाएंगे ना तो आपको बड़ा काम आने वाला है। वहां से आप वीडियो में मैसेज बनाकर मुझे सेंड करना। क्या हुआ, क्या था इसको? हेलो जय साहब, राजकुमार के सामने की बैरक वाला कैदी मर गया? कैसे हुए, क्या हुआ था उसे? शुगर का पेशेंट था वो, रातों रात उसका शुगर लेवल बढ़ गया, इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाया गया और गोम्स नाम का वो कैदी बच नहीं सका। एक मिनट, अगर ये शुगर का मरीज है तो उसे डॉक्टर की बताई हुई खुराक के हिसाब से ही खाना मिलता था ना, तो फिर अचानक से ये रातों रात ही उसका इतना शुगर लेवल कैसे बढ़ गया कि वो मर गया? अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन खाना तो उसे रोज की तरह ही दिया गया था और मीठा तो उसको जहर था। अच्छी तरह से जांच कीजिए। जी, आपने अपना तोहफा तो दे दिया, अब मेरी बारी है। और ये रहा मेरी तरफ से आपके लिए आपकी शादी की सालगिरह का तोहफा। चलो मैं ही खोल देता हूं। संध्या जी, ये कोई साधारण घड़ी ना है, ये घड़ी बहुत ही खास है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप इसमें अलार्म सेट करेंगे ना तो इसमें आपको एक खास धुन सुनाई देगी, आप सुनना चाहेंगे? एक ही अलार्म सेट। बहुत ही अच्छे तोहफे दिए सूरज जी आपने। तो फिर वो केक, यानी दो तोहफे। संध्या जी, मैंने कहा ना, मेरी तरफ से आपके लिए शादी की सालगिरह पे एक ही तोहफा है, और वो केक जो था वो मेरी तरफ से ना था। आप नहीं लाए तो फिर केक कौन लेकर आया? उस पर तो माना कि वो घर से कोई और लेके आया, लेकिन वो आईने वाली बात उसको कैसे बताओगे? ये तो हम दोनों के बीच की बात है ना संध्या जी। कल का दिन बहुत शुभ है, एक यादगार दिन। पृथ्वी ने अपना पहला और दूसरा कदम रख लिया है, तीसरा और आखिरी कदम। क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? वो
हो सकता है सूरज जी घर में किसी को ये बात पता चल गई हो। सुबह उठकर सबसे बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट फौरन आनी चाहिए। डोंट वरी जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, उनको बोलो कि सरकारी अस्पताल पहुंचे। हवलदार साहब, अरे हवलदार साहब, साहब यहाँ साहब। अरे हवलदार साहब, आज ये जेल में मेले जैसी हलचल क्यों मचा रखी है? जहाँ तुम जैसे अपराधी मौजूद हो वहाँ शांति की आस करना बेकार है। चिंता मत कीजिए हवलदार साहब, कुछ दिन में यहाँ शांति ही शांति होगी। जैसे रात में शमशान में शांति होती है ना। अरे हवलदार साहब एक सिगरेट दो ना, बड़ी तलब लगी है। यहाँ सिगरेट अलाउ नहीं, और वैसे भी ये सिगरेट नहीं चिंगम। अरे हवलदार साहब जो भी है दे दो, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, बोर हो रहा हूँ मैं। आप भी क्या याद करोगे, किसी ने कुछ मांगा था आपसे? मैं उठाता हूँ। हो गई तलब पूरी, अब खुश। विक्रम जी वो हमारी को साफ सफाई का कपड़ा चाहिए था। अपने चौधरी एक साफ सफाई के लिए कपड़ा लेके आ फटाफट। जी अभी लाए। मीना जी मिश्री अब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अरे बुलाया आपने? बुलाया जी। ओ, कल का केक बचा? बचा है ना जी, मैं लेकर आती हूँ। ले आ। अभी लाए। आज कितने दिनों बाद इन्होंने मुझे मीना कह के पुकारा है, कितने दिनों बाद। टीवी लगा देती हूँ। प्रेमा जी ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत है? अरे आप वो फंक्शन में नहीं आए थे ना हमारे घर के, आप भी अब हमारे घर के सदस्य ही हैं, तो मुंह मीठा तो करना बनता है ना। हाँ ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ
मैं तुम्हारे गले से उतरने ना दूंगी, चमकादड़ पहनेगी। ताजी हवा खाई जा रही है। ह्यूमन राइट्स का नियम नहीं होता तो मैं फांसी चढ़ने तक तुझे एक सेकंड के लिए भी बाहर निकलने नहीं देता। यहीं जेल की काल कोठरी में सड़ा डालता। जेलर साहब, मैं तो ये ताजी हवा खाकर आप ही की मदद कर रहा हूँ। अगर कैदी 100% स्वस्थ ना हो तो उसे फांसी कैसे दे सकते, और अगर मैं सड़ गया तो फिर आप फांसी किसको देंगे? बहुत ताजी हवा खानी थी। चलो लेके जाओ उसे। चलो हवलदार साहब, बाहर बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक और राउंड लगवा दो ना। क्यों, जी नहीं भरा तेरा? आधा घंटा से ठंडी हवा खा रहा था ना। इतने पत्थर दिल मत बनो साहब, एक छोटे से राउंड के लिए तो कह रहा हूँ, 10 मिनट दे दोगे ना, दुआएं दूंगा आपको। तुम्हारा घूमने का टाइम वैसे भी खत्म हो गया है, बाकी कैदियों को भी घुमाना है। चलो अंदर। साहब सुनो, साहब मरने वाले की इतनी बात तो सुन लो साहब, 10 मिनट ही तो मांग रहा हूँ आपसे। चलो अंदर, चलो बहुत हो गया, चलो। साहब हथकड़ियाँ तो खोल दो। सेवन फाइव टू जीरो सिक्स नाइन। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।